अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, वेलकम बैक टू योर साइंस लेक्चर। वी वर स्टडिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर बुक द एनिमल वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं एनिमल्स के डिफरेंट टास्क के बारे में एंड एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल्स, के उनके जिंदा रहने के लिए उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने डिटेल में 3 एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल्स पढ़े थे, वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी वर स्टडी एडॉप्टेशन। And today's lecture is about movement. Today we are going to study about what is movement. Movement is an essential part of animal life. Means movement जो है animals की life का एक बहुत ही essential, बहुत ही important part होता है। Animals move for several reasons. यहाँ पे कहते हैं, पहले आपको बताया कि movement जो animals की life का बहुत ही important part होता है। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि animals 4 reasons की वजह से move करते हैं। Movement तो वो करते हैं, but movement का reason भी होना चाहिए। तो वो reasons आपको बता रहे हैं कि animals move क्यों करते हैं। तो यहाँ पे 4 reasons हैं। देखिए वो कौन से reasons हैं जिनकी वजह से animal move करते हैं। फर्स्ट है फाइंडिंग फूड, सेकेंड इज फाइंडिंग शेल्टर, थर्ड वन इज फाइंडिंग वाटर एंड टू एस्केप प्रेडेटर। मीन्स एनिमल्स किस वजह से मूव करते हैं? टू फाइंड फूड, अपने फूड फाइंड करने के लिए, अपना खाना ढूंढने के लिए वो मूव करते हैं। उनको मूवमेंट जरूरी है क्योंकि वो एक ही जगह पर रहेंगे तो ऑब्वियसली वो अपना फूड कैसे फाइंड कर सकेंगे। सेकेंड इज टू फाइंडिंग शेल्टर एंड फाइंडिंग वाटर, अपना घर ढूंढने के लिए, अपने आप अपना आपको छुपाने के लिए। मीन्स इन वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या हार्श वेदर कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, तूफान हो, तो उनमें उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। या इन सनी डेज, मीन्स ज़्यादा तेज़ धूप हो, तो उससे भी खुद को बचाने के लिए उनको क्या ज़रूरत होती है? उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है। तो वो मूवमेंट करते हैं या वो मूव करते हैं किसके लिए? टू फाइंड शेल्टर, अपना घर ढूंढने के लिए कि कहाँ पर वो रह सकते हैं, कोई जगह ढूंढने के लिए वो मूव करते हैं। और इसी तरह पानी को भी ढूंढने के लिए, यानी टू फाइंड वाटर, पानी पीने के लिए, पानी ढूंढने के लिए भी वो मूवमेंट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ टू एस्केप प्रेडेटर्स। एस्केप प्रेडेटर्स का क्या मतलब होता है? एस्केप प्रेडेटर्स इज टू, जब हमने साथ में पढ़ा था फूड चेन में, एनर्जी टॉपिक में हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में कि एनर्जी वो कैसे हासिल करते हैं। एक एनिमल दूसरे एनिमल्स को फीड करता है और इस वजह से वो उससे एनर्जी हासिल करता है। तो मींस ये एनिमल्स अपने आप को उन प्रेडेटर से बचाते हैं जो इन पर फीड करते हैं या जो इनको खाते हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं? हर उस एनिमल से खुद को बचाते हैं जो इनको खाता है, मींस प्रेडेटर से खुद को बचाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। अगर कोई एनिमल आ गया उनको खाने के लिए और वो उधर ही खड़े रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल डाई। वो एनिमल इनको पे अटैक करेगा और इनको मार देगा। सो वो क्या करते हैं? इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये मूवमेंट करें खुद को उन प्रेडेटर्स से बचाने के लिए। तो ये क्या थे? ये फोर रीजंस थे जिनकी वजह से एनिमल्स मूव करते हैं। फर्स्ट था हमारे पास फाइंड फूड, टू फाइंड शेल्टर, शेल्टर फाइंड करने के लिए, टू फाइंड वाटर एंड टू एस्केप प्रेडेटर्स। नेक्स्ट थिंग इज एनिमल बॉडीज आर डिजाइन फॉर मूवमेंट। मीन्स एनिमल्स की बॉडीज को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो मूव कर सके। मीन्स क्या होता है इसका एग्जाम्पल तो आगे देख सकते हैं आप लोग। व्हेन योर ब्रेन रियलाइजेज यू आर हंग्री, इट सेंड मैसेजेस अराउंड योर बॉडी। योर आइज ऑल्सो लुक फॉर द फूड एंड योर आर्म रीचेस आउट टू पिक इट अप। इस लाइन का क्या मतलब है? क्या कहते हैं? व्हेन योर ब्रेन रियलाइजेज यू आर हंग्री, जब आपके ब्रेन को पता चलता है कि आपको भूख लगी है। एनिमल्स को, यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है तो एनिमल्स के एग्जांपल लेते हैं कि उनको पता चलता है कि एनिमल्स को भूख लगी है। सो एनिमल्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, उनकी आई सर्च करते हैं कि कहीं उनको खाना नजर आए। और क्या होता है, एकदम से वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही उनको फूड नज़र आता है वो हाथ आगे बढ़ाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। सो ये क्या हुआ? इसी तरह हम इसमें ह्यूमंस की एग्जांपल भी ले सकते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमारे ब्रेन को रियलाइज होता है और उसके बाद क्या करते हैं, हम फौरन इधर उधर देखते हैं कि कहीं खाना पड़ा ही नहीं, नहीं तो हम इधर कहीं और जाकर देखते हैं। हमारी आइज ढूंढ रही होती हैं दैट वेयर इज फूड, हमारी आइज, आवर आइज लुक फॉर फूड। एंड जैसे ही हमें खाना नज़र आता है, आर्म क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योर आर्म रीचेज आउट टू पिक इट अप, मीन जो हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं उस खाने को उठाने के लिए। तो क्या किया, हमारे आर्म ने उसको पकड़ लिया खाने को। तो ये क्या हुआ कि एक हंगरी, उसकी वजह से, एक भूख लगने की वजह से किन किन चीज़ों ने काम किया? सबसे पहले ब्रेन को रियलाइज हुआ कि भूख है। उसके बाद क्या हुआ, आइज ने फाइंड किया कि कहाँ पे है फूड। जैसे ही फूड नज़र आया उसके बाद हमारे आर्म्स एक्शन में आए और उन्होंने क्या किया, फूड को पकड़ लिया या फूड को उठा लिया।
इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं किस चीज का है, व्हेन योर ब्रेन रियलाइजेस यू आर इन ट्रबल इट कैन सेंड मैसेजेस अराउंड योर बॉडी। मींस क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल लें तो एनिमल्स में मैंने आपको बताया कि उनके रीजन फोर रीजन जो होते हैं उसमें फोर्थ वन रीजन क्या था, टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जैसे ही आपकी बॉडी को एनिमल्स की को पता चलता है, उनके ब्रेन को रियलाइज होता है कि आप ट्रबल में, एनिमल्स ट्रबल में है, तो वो क्या करते हैं वहाँ से खुद को बचाते हैं। वो ब्रेन क्या करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, मीन्स अगर उन्होंने भागना है वहाँ से तो क्या करेगा ब्रेन मैसेज सेंड करेगा फीट को कि वहाँ से भागें। तो ये क्या हुआ, जैसे ब्रेन ने रियलाइज किया कि बॉडी ट्रबल में है तो उसने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मैसेज किया, जहाँ ज़रूरी होता है मैसेज भेजना वहाँ उसको मैसेज भेजो, जैसे यहाँ पर फीट को मैसेज भेज रहा है कि वो वहाँ से भागे और ख़ुद को प्रेडेटर से बचा सके। इसी तरह ह्यूमंस का भी कह सकते हैं कि ह्यूमंस का ब्रेन जो होता है वो भी रियलाइज कर सकता है कि अगर हम ट्रबल में है तो वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेजेगा। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कोई आपकी तरफ कुछ भी चीज़ फेंकी, जैसे सपोज करें कोई आपकी तरफ बॉल फेंकता है और वो आप देख सकते हैं कि बॉल आपकी तरफ आ रहा है, तो फौरन आपके ब्रेन को रियलाइज होगा कि आप ट्रबल में है, तो वो क्या करेगा आपके हाथ को मैसेज सेंड करेगा कि फौरन, या आप हाथ आगे रख लेगी अपने भूखे कि खुद को बचा सके, या तो आपके फीट को मैसेज जाएगा कि आप वहां से भाग सके और खुद को बचा सके। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ कि अपने ब्रेन के, अपनी बॉडी के ब्रेन ने रियलाइज किया कि आप ट्रबल में हैं, तो उसने फौरन जहाँ जरूरत थी उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को मैसेज भेजा। So that was all about movement topic, कि movement क्या होता है और animals के लिए movement क्यों इतनी ज़रूरी होती है, why this is an essential part of animals life। अब आते हैं activity की तरफ। पहले टेक आउट योर पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक, इस पे जो एक्टिविटी है वो देखें। इमेजिन एन एनिमल दैट वुड बेस्ट सूट एन एनवायरनमेंट विद दीज फीचर्स, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, फूड ओनली अवेलेबल एट द टॉप्स ऑफ टॉल ट्रीज, वाटर दैट कैन ओनली बी रीच थ्रू अ होल इन द ग्राउंड, ड्रा एनिमल एंड लेबल इट्स पार्ट्स। यहाँ पे आपने एक ऐसा एनिमल ड्रॉ करा है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई गई हैं और उसके मुताबिक आपने सर्च आउट करना है कि कौन सा एनिमल यहाँ पे आ सकता है। फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, पहले टेक आउट योर पेज नंबर 18 ऑफ योर बुक, इस पे जो एक्टिविटी है वो देखें। इमेजिन एन एनिमल दैट वुड बेस्ट सूट एन एनवायरनमेंट विद दीज फीचर्स, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर्स, फूड ओनली अवेलेबल एट द टॉप्स ऑफ टॉल ट्रीज, वाटर दैट कैन ओनली बी रीच थ्रू अ होल इन द ग्राउंड, ड्रा एनिमल एंड लेबल इट्स पार्ट्स। यहाँ पे आपने एक ऐसा एनिमल ड्रॉ करा है, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल कंडीशंस बताई गई हैं और उसके मुताबिक आपने सर्च आउट करना है कि कौन सा एनिमल यहाँ पे आ सकता है। फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड, यहाँ पे जहाँ पे हर तरफ स्नो हो ऐसा टेम्परेचर हो, और जहाँ पे फूड कहाँ अवेलेबल हो, सिर्फ ट्रीज पे अवेलेबल हो। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या बताइए, जहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जैसे स्नो हो हर तरफ, और फूड कहाँ पे अवेलेबल होता है, सिर्फ एट द टॉप ऑफ द ट्रीज अवेलेबल होता है। वाटर कहाँ, वाटर कैन ओनली बी रीच थ्रू अ होल, वाटर सिर्फ एक ग्राउंड में जो होल्स होती है वहाँ से मिल सकता है। सो आपने एक ऐसा एनिमल ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपने एक ऐसा एनिमल सर्च आउट करना है जो इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सूट करता है, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने इसको खुद फाइंड आउट करना है कि इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन से एनिमल्स इनको सूट करते हैं, वो आपने ड्रॉ करना है और उसकी लेबलिंग करनी है। सो ये एक्टिविटी थी पेज नंबर 18 की। अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 19। ये एक्टिविटी मैं आपको खुद करवाती हूँ। इसमें देखें एक्टिविटी में क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताए गए हैं कि एनिमल्स क्या क्या करते हैं और वहाँ पे फिर आपने उनके नेम्स लिखने हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्या बताया गया, क्लाइम मींस क्लाइम करना, तो क्लाइम कौन सा एनिमल करता है। क्लाइम अक्सर हम देखते हैं, हम ज़्यादातर हम देखें तो मंकीज ही होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मंकी। सेकेंड है वो क्रॉल, क्रॉल मीन्स क्या होता है, रिंगना, जो ज़मीन पर रिंगते हैं, तो वो कौन सा एनिमल्स होते हैं, दैट इज क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ जिनको हम कहते हैं, एंड स्नेक्स। So, ये दोनों एनिमल्स किस में आते हैं, क्रॉल में, इन दोनों को लिख दें आप। सेकंड इज डिग, मींस डिग क्या, वो एनिमल्स जो खोदते हैं, तो ये इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें रैबिट्स आते हैं और मोल्स, मोल्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ रैबिट्स, तो ये दोनों आ जाएंगे किस में, डिग में आप इसको लिखेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है फ्लोट, फ्लोट में कौन से एनिमल्स आते हैं, स्पेशली जो वो नहीं आते जो वाटर में ही होते, इसमें और भी एनिमल्स आते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं डक्स, क्योंकि डक्स फ्लोट करती हैं, सो यहाँ पे फ्लोट के आगे लिख सकते हैं आप डक्स।
फ्लाई मीन्स फ्लाई में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो उड़ते हैं। तो आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं बैट की, हॉक्स, यहाँ पे आप स्पैरो भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स जो फ्लाई करते हैं, आप खुद से भी इसमें नेम्स लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, ग्लाइड, जो एनिमल्स ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड कौन से एनिमल्स करते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास, जो फ्लाइंग स्क्विरल्स होते हैं, वो क्या किस तरह आप देखते हैं जब वो फ्लाई करते हैं तो वो ग्लाइड करते हुए फ्लाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे किस कौन सा नेम आएगा, फ्लाइंग स्क्विरल्स। सेकेंड इज जम्प, जम्प कौन सा एनिमल्स करते हैं, अक्सर आप देखते हैं कैंगरूज वो वाले एनिमल्स जिनके आगे पाउच सा होता है, इसमें वो जम्प करते हैं, तो इसीलिए इसमें कैंगरूज का नेम आता है। नाउ विच एनिमल्स रन, रन में कौन से एनिमल्स आते हैं, इसमें तो टाइगर्स आप लिख सकते हैं, लायन लिख सकते हैं, या यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चीता, तो आप चीता भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स जैसे डॉग्स आते हैं वो भी रन करते हैं, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। एंड लास्ट इज स्विम, स्विम कौन से एनिमल्स करते हैं, सारे सी एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे पास स्विम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस होती है, सी हॉर्स होता है, सी एनिमोन होता है, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दी गई है वो है शार्क्स एंड डॉल्फिन्स, आप ये भी लिख सकते हैं, और बाकी एनिमल्स जो स्विम करते हैं आप उनके नेम्स भी लिख सकते हैं। सो ये एक्टिविटी यहीं पर ख़त्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो तब तक लिए आप इस आज के टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, और इस एक्टिविटी को जो मैंने करवाई है वो आप करें, और जो मैंने आपको घर के लिए दी है वो आप खुद इसको सर्च आउट करनी है, और आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।